हेलो दोस्तों, फिर से आप लोगों का हमारे एक नए वीडियो में स्वागत है। दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आप लोगों को अशोक लीलैंड जो 10 टेरा हाइवा होता है उसके बारे में बताऊंगा। सबसे पहले मैं आप लोगों को बता दूं, जो ये हाइवा है ये 19 मॉडल BS4 हाइवा है। आज की वीडियो में आप लोगों को इस गाड़ी के जो एक्सल होते हैं उसके बारे में जानकारी दूंगा कि जब भी आपकी गाड़ी के एक्सल ख़राब हो जाए तो आप लोगों को उस एक्सल को लेते समय किन किन बातों का ध्यान देना चाहिए। तो चलिए आप लोगों को बताते हैं इनमें किस तरह के और कैसे एक्सल लगे होते हैं, उनका साइज़ क्या होता है और उनमें हम लोगों को क्या क्या चीज़ें देखनी चाहिए जब भी आप नया एक्सल ले। तो चलिए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं और आप लोगों को एक्सल दिखाते हैं। ये आपका बीच का क्राउन है और इसका जो ये देखिए जो कंडक्टर साइड का जो लेफ़्ट साइड का एक्सल है बीच वाले क्राउन का, ये देखिए उसके अंदर जो एक्सल लगता है वो लंबा एक्सल आता है। और जब भी आप ये एक्सल लें तो आप लोगों को, अगर आप लोग पुराना ले रहे हैं या नया ले रहे हैं, तो आप लोगों को सबसे पहले देखिए इसकी ये झीरियां देखनी है। जो इसके अंदर ये झीरियां आप लोगों को दिखाई दे रही है, ये जो टीथ हैं ये टोटल 46 टीथ होने चाहिए। आप लोगों को इन्हें काउंट करके देख लेना है, ये टोटल 46 होने चाहिए। चाहे ये राइट साइड का हो या लेफ़्ट साइड का, आपको जैसा कि जानते ही होंगे इसमें जो एक्सल लगते हैं एक बड़ा लगता है और एक छोटा लगता है। तो जो बीच वाला क्राउन होता है उसमें जो लेफ़्ट साइड में एक्सल लगा होता है वो लंबा एक्सल लगता है और जो राइट साइड में एक्सल लगता है वो छोटा लगता है। तो ये लेफ़्ट साइड का एक्सल है। दोनों की झीरियां आपको 46 मिलेंगी। तो चलिए मैं आप लोगों को इसकी लेंथ नाप करके बताता हूं। और ये देखिए हम इसकी लेंथ नाप रहे हैं और ये देखिए नीचे की तरफ मैं आप लोगों को दिखाता हूँ कि कहाँ से हम इस लेंथ को नाप रहे हैं। ये प्लेट के ऊपर हम जब इसको रख के, जो फीते को रख के हम जब इसे नापते हैं तो इसकी जो लेंथ है वो 45 इंच जो कि 45 इंच होती है। और जब हम इसे नीचे ज़मीन पर रख कर नापते हैं तो जो इस बड़े वाले एक्सल की जो लेंथ होती है वो 46 इंच होती है। तो जो आपका लंबा वाला एक्सल है वो अगर आप प्लेट से ऊपर से नापते हैं तो 45 इंच और नीचे से नापते हैं तो 46 इंच, और जो इसके टीथ होते हैं वो 46 टीथ होने चाहिए। तो आप लोगों को बड़ा एक्सल इस तरीके से नापना है, ये देखिए। और ये है, आप लोगों को मैं आपको दिखाता हूँ इसका छोटा वाला एक्सल जो कि राइट साइड में लगता है, बीच वाले क्राउन में राइट साइड में लगता है। उसके बारे में भी आप लोगों को हम उसकी डायमेंशन के बारे में बताएंगे। तो ये इसका छोटा वाला एक्सल है, इसको भी मैं आप लोगों को नाप करके बताता हूँ। इसके ऊपर की भी झीरियाँ आप लोगों को सेम ही रहेगी, उसके 46 टीथ रहने चाहिए। और इसकी हम लोग अगर लेंथ की बात करें तो प्लेट के ऊपर से अगर हम लोग इसे जब अगर मेजर करते हैं तो इसकी लेंथ जो टोटल बनेगी वो 40 इंच बनेगी। देखिए इस जगह से अगर हम लोग इसे नापते हैं तो 40 इंच बनेगी, और अगर हम इसे नीचे की तरफ से नापते हैं प्लेट से हटा करके तो इसकी जो लंबाई होगी वो 41 इंच होगी। ये देखिए ये 41 इंच की सेम। दोस्तों यही एक्सल बीच में, जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया, राइट साइड में छोटा एक्सल बीच वाले क्राउन में और लेफ़्ट साइड में बड़ा एक्सल, और यही चीज़ें एकदम सेम अपोजिट हो जाती है पीछे वाले क्राउन में। पीछे वाले क्राउन में सबसे पीछे वाला जो क्राउन होता है उसमें राइट साइड में आपका बड़ा एक्सल आता है और लेफ़्ट साइड में छोटा एक्सल आता है। दोस्तों अगर आप लोगों को हमारी वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ हमारी वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा। और दोस्तों अगर चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, और दोस्तों घंटी के बेल आइकन को दबाना ना भूलिएगा ताकि हम आपको ऐसे ही अच्छी अच्छी वीडियो लाकर देते रहें और हमारी जो भी वीडियो आए वो सबसे पहले आप लोगों को पता चल सके। तो दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।